नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत पूरे स्विंग में उभरा तो था, लेकिन अब कुछ ठंडा होते हुए दिख रहा है। मैं इस मूवी का रिव्यू तो आपको बताऊंगा ही, बट साथ ही साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। रिया चक्रवर्ती के ऊपर अभी FIR दर्ज कराई है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया था स्टार्ट में जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। उनकी तस्वीरें बहुत सब जगह पे आपने शेयर की और कुछ लोगों ने थियरी भी लगाई। धीरे धीरे इसका असर कम होते गया जैसे जैसे समय निकलता गया। तो दोस्तों, ये सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने का अहम समय है। इसके लिए सब लोग, हम सबको एक सोच रखनी है, हम सबको एकजुट होकर सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने में पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी से हम इस मूवी का रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मूवी नहीं, एक बहुत ही अजब एहसास है। आप देखते ही मूवी को आपको ऐसे लगेगा कि सुशांत सिंह राजपूत खुद ही सामने हैं और आपसे बात कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी से कभी ना कभी किसी ना किसी मोड पे आप और मैं हार जाते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाते हैं। और ये मूवी हमको ये चीज़ दिखाता है कि कॉम्प्रोमाइज और ज़िंदगी से जवाब मांगना और खुश ना रहना कभी भी, और चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढना, ये सब चीज़ें एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और ज़िंदगी जीना एक सेंसेशन है, एक जर्नी है। कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं रहता, कुछ भी सच या झूठ नहीं रहता, कुछ भी सही या गलत नहीं होता। होता है तो बस एक सेंसेशन, बस एक एहसास। तो इस मूवी में दो किरदार है, जैसे कि आप जानते हो, मैनी और किनी। किनी को बहुत ही गंभीर बीमारी है और शायद आपको ये पता नहीं रहेगा, मैनी सुशांत सिंह राजपूत जिसने जिसका किरदार निभाया है, उनको भी एक हादसे में उनका एक पैर खोया जाता है। और धीरे धीरे दोनों जिंदगी की तरफ एक दोनों अलग अलग पहलू रखते हैं। किनी जो फिल्म की हीरोइन है, उसकी माँ भी बहुत पॉजिटिव रहती है, वो अपने बेटी की तरफ किसी भी लड़के को नज़दीक आने नहीं देती, बहुत ही केयरफुल रहती है, क्योंकि कोई भी लड़का उसके दिल के साथ खेलेगा और फिर उसे और दुख होगा। मैनी जो स्वयं एक हादसे का शिकार रह चुका है, बट इस हादसे से वो डिस्करेज नहीं हुआ, इस हादसे से वो और भी पावरफुल हो गया, और भी जिंदगी में मतलब नहीं ढूंढते हुए और भी जीने लगा। और यही चीज़ के वजह से वो हीरोइन को बहुत अलग अलग तरीक़ों से खुश करता है, उसे प्रपोज करता है, उसके साथ दिन निकालता है। और धीरे धीरे हम भी देखते हैं इस मूवी में एक नया पड़ाव आता है। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी इंग्लिश एवं हिंदी में, जहाँ पे पूरी मूवी बहुत ही रोमांटिक रहती है, बहुत ही मीनिंगफुल रहती है, बट एंड में दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, जैसे कि आपने सगमा मूवी में देखा था। वैसे भी अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो लगभग समझो वो मूवी के जैसे ही ये मूवी है, जहाँ पे हीरो ने पूरी जान डाल दी है, बट उसमें अंत में हीरोइन हीरो को भूल जाती है, बट इसमें हीरोइन और हीरो दोनों के रास्ते मिल नहीं पाते। आप मूवी देखिए तो सही एक बार, आपने ऐसी मूवी बहुत वर्षों से नहीं देखी होगी। जो ये बॉलीवुड के मसाला मूवीज है, इनसे तो हटकर ही है, बट आपको एक ऐसी चीज़ सिखा जाती है कि आप उसके दूसरे क्षण से आपको ऐसे लगेगा कि यार काश ये मूवी पहली बनी होती। और इस मूवी को हर एक कैरेक्टर ने बहुत ही बखूबी से निभाया है, और हम तो सुशांत सिंह राजपूत को तो मिस कर ही रहे हैं। लेकिन आपको मैं वादा करता हूँ कि ये मूवी देखते वक्त अगर आपके आंखों में आंसू नहीं आया, तो यारों, सुशांत सिंह राजपूत जैसे कई एक्टर्स नहीं बन पाएंगे, नहीं आ पाएंगे हमारे सामने हमारा मनोरंजन करने के लिए, हमें सिखाने के लिए।
सुशांत सिंह राजपूत के इस वेव, इस हैशटैग को या कुछ भी कहे, इस मूवमेंट को प्लीज ठंडा मत होने दीजिएगा। फुल फ्लेज वैसे ही सपोर्ट कीजिए। मांगिए जवाब उन अथॉरिटीज से, मांगिए जवाब जिनकी वजह से ये हादसा हुआ, और इस मूवमेंट को जारी रखिए। दिस इज SY एंटरटेनमेंट साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।